بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من جر الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو اور دینی بھائی، رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہو چکا اور اس کے بعد آنے والا شوال المکرم کا مہینہ بھی رخصت ہونے کے قریب ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے تو کچھ اعمال اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کو رمضان میں ہم اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کرتے تھے. رمضان کے بعد اس کو بالکل چھوڑ دیا، یعنی کہ اس میں کمی آ گئی. حالانکہ وہ اعمال اور وہ عبادتیں ایسی ہیں جن پر پورا سال عمل کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، پنج وقت نمازوں کا، سنتوں کا، نوافل کا اہتمام ہے، اللہ کا ذکر ہے، صبح شام کی تسبیحات ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے. یہ ایسے اعمال ہے کہ اگر انسان اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کامیابی کے لیے دیا ہوا ایک نسخہ. اسی طرح کچھ گناہ اور کچھ نافرمانیاں ایسی ہیں، رمضان میں ہم اس سے دور رہتے تھے، رمضان کے ختم ہونے کے بعد پھر سے اس نے ملوث ہونے جا رہے ہیں. حالانکہ ان ناپرمانیوں سے اور ان گناہوں سے پورا سال بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی جانب سے دیے جانے والے ہر حکم پر پابندی اور اہتمام کے ساتھ عمل کرنا، اور ہر گناہ اور نافرمانی سے ہر حال میں بچنا، یہ استقامت ہے. اور یہ استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مسلمان بندے کو ملنے والی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے حضرت سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کے صحابی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرہ، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی کوئی بات بتلا دیجئے
उसको आपके अलावा किसी से इसके बाद सवाल करने की जरूरत पेश ना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से दो जुमले जवाब में इरशाद करता जिसमें जिंदगी भर के नेक आमाल की तरतीब और गुनाहों से बचने के एहतमाम की तरतीब करता इरशाद फरमाया कुल आमंतु बिल्लाह, ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। सबसे पहले अपने ईमान पर मजबूती और जमाव पैदा कर लो, खुद मस्तकीम फिर उस पर जमे रहो, मरते दम तक ईमान के तकाजों को पूरा करते चले जाओ। चुनांचे हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से और असनाब से इस्तेमामत की बहुत सी तशरीह नकल की गई, उनमें सबसे जामे मतलब हजरत उमर फारूक बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बयान फरमाया कि इस्तेमामत क्या है। इस्तेमामत ये है कि अंतस्तकीम अला अल-अम्र वन्नह, अल्लाह के हर हुक्म पर इस्तेमामत के साथ जमा रहे और हर नाफरमानी से हमेशा बचता रहे। वला तरूहु रौमान तआलि, और लोमड़ी की तरह इधर उधर कूदता रहे। हजरत उमर ने मिसाल देकर समझा कि जैसे लोमड़ी कभी इधर कूदती है कभी उधर कूदती है, ऐसे हमारी जिंदगी के आमाल ऐसे न हो कि कभी नमाज पढ़ी कभी छोड़ दिया, कभी किसी गुनाह से बचे कभी फिर से शैतानी वसवसे पर अमल करते हुए उस गुनाह में बरकत हो। ये शरीयत में पसंदीदा नहीं, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपके बालों में सफेदी नजर आने क्या बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैयबतनी हूद व अदवातुहा, सूरह हूद और उसकी जैसी सूरतों ने मुझको बुढ़ा किया, उसके जैसी सूरतें और सूरह हूद इससे क्या मुराद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम रईसुल मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरह हूद में एक आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताब मअका वला ततगौ, ए नबी आपको अल्लाह की जानिब से जो हुक्म दिया गया आप उस पर इस्तेमामत इख्तियार करें, उस पर जमे रहें। आप भी और जिन लोगों ने आपके साथ तौबा किए यानी मुसलमान, हम सब उनके मुताबिक अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इस्तेमामत इख्तियार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये इस्तेमामत पर अमल करना ये इतना अहम है और इतना भारी है कि उसकी वजह से मेरे बालों ने सफेदी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौलाना इदरीस कंदरी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल किया है, वो फरमाते हैं कि इस्तेमामत पर अमल करना ये ऐसा ही है जैसे पुल सिरात पर से गुजरना, जैसे पुल सिरात पर से गुजरना पानी की तरह पानी को रास्ता है और बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है, ऐसे ही इस्तेमामत बहुत दुश्वार गुजार रास्ता। इसीलिए हजरत सूफिया इकराम फरमाते हैं कि इस्तेमामत हजार करामतों से बढ़कर है कि एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये तौफीक मिल गई कि कभी उसका कोई सुन्नत तरीका छूटता नहीं है और वो अपने आप को बड़े बड़े गुनाहों से हर हाल में बचाए हुए हैं, तो इससे बड़ी करामत और क्या हो। हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी में हम गौर करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक
حضرت فاطمی کے متعلق مشہور روایت ہم بار بار فضیلت سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی, چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں کنٹے پڑ گئے تھے, مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے کندھوں پر موڑوں پر نشانات پڑ چکے تھے اور ہر وقت تھکی ہوئی رہتی تھی. جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام آئے ہوئے ہیں, خادم آئے ہوئے ہیں, تو غلاموں کو خادموں کو لینے کے لیے پہنچی تاکہ کام کاج میں کچھ سہولت اور آسانی پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہہ کر آئے اور دوسری روایت میں ہے کہ شرم کی وجہ سے نہیں کہا اور واپس آ گئے. بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور اس حال میں پہنچے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخذنا مضاجعنا, ہم نے اپنے بستر پر لیٹنے کی تیاری کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر ہم کھڑے ہونے لگے کہ آپ تشریف لائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مکانی ہوا, اپنی جگہ لیتے رہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ اور داماد اور بھتیجے بھی ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان دونوں کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی ٹھنڈک کو میں اپنے پیٹ پر محسوس کر لیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور تسبیح بتلائی کہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام واپس ہو گئے. پھر زمانہ گزرا, اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کا وصال ہو گیا, حضرت ابو بکر کا دور آیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہو گئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, ان کا بھی انتقال ہو گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, وہ بھی دنیا چھوڑ کر رخصت ہو گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے جانے کے بعد بھی ایک مدت گزر گئی. اس کے بعد ایک مرتبہ بات نکلی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنی ہوئی ایک تسبیحات کی فضیلت بیان فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان تسبیحات فاطمی کی سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کی فضیلت سنی ہے, اس وقت سے لے کر آج تک مجھ پر کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں میں نے ان تسبیحات کو نہ پڑھا ہو. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ کیا جنگ صفین کے موقع پر بھی نہیں چھوٹی تھی؟ لڑائی کا موقع ہے, سامنے دشمن ہے, ہر وقت اپنی جان کے متعلق خطرہ ہے اور دن پر تھکے ہوئے ہیں اور جسم پر ہتھیار لگائے ہوئے ہیں, اور ایسی حالت میں رات کو سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسے وقت میں یہ تسبیحات چھوٹ گئی ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں, جنگ صفین کی رات میں بھی میری تسبیحات فاطمی سوتے وقت کی تسبیحات اس وقت میں بھی نہیں چھوٹی جنگ صفین کی رات
करते रात के आखिरी हिस्से में सोने के लिए मैं लेट रहा था, थोड़ा सा वक्त मिल रहा था और दिन भर का थका हुआ था और सामने दुश्मनों का लश्कर था और लश्कर की छावनी थी, उस वक्त में भी मेरा अमल पूरा हो रहा। ये हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी में कामयाबी का राज। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने आमिर रज़ियल्लाहु अन्हुम एक सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको सात नसीहतें, सात बड़ी बड़ी नसीहतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली हुई। फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, लकीत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबतदअतु, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू शुरू की, बातचीत शुरू की। मैंने आज किया ऐ अल्लाह के रसूल, मा नजातुल उमूर, तमाम कामों में नजात और छुटकारे की क्या शक्ल है, कौन से काम हम करेंगे तो दुनिया में भी हमें छुटकारा मिलेगा हर तरह की तकलीफ से और आखिर की तकलीफों से भी नजात मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन नसीहतें फरमाई। सबसे पहली नसीहत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसान, अपनी जुबान को काबू में रखो, जुबान से कोई ऐसा बोल न निकले जिससे परवरदिगार नाराज हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी रिवायत में फरमाते हैं कि इंसानों को उनके चेहरों के बल जहन्नम में घसीट कर ले जाने वाली चीज ये उनकी जुबान है, जुबानों के गलत बोल है, जुबानों से निकला हुआ झूठ, गीबत, तोहमत, इल्जाम, गलत बातें, इसकी वजह से इंसान जहन्नम में बहुत दूर तक फेंक गया। तो पहली नसीहत फरमाई, हम सिकाए करे साथ अपनी जुबान को काबू में रखो। दूसरी बात फरमाई, वलिया सहाजा वही दुखा, तेरा घर तुझको समान, यानी फितरों के जमाने में अपना ज्यादातर वक्त घरों में गुजार, बाजारों में इधर उधर फितरों की जगहों पर न जाए। दूसरी नसीहत। और तीसरी नसीहत फरमाई, वद की अला खतीअती का, अपने गुनाहों को याद कर करके उस पर रोया। ये तीन नसीहतें पहली मरतबा फरमाई सात नसीहतों में से। उसके बाद फिर दूसरी एक मरतबा हजरत रुबा इब्न आमिर फरमाते हैं, लकीयनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुलाकात की, फब्तदअनी, तो अब दूसरी मरतबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे गुफ्तगू की, इब्तिदा की, बातचीत शुरू की। पहले मैंने सवाल किया था, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं। क्या पूछा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? पूछा, ए रुबा इब्न आमिर, क्या मैं तुझको ऐसी तीन सुनते न बतलाऊं? ए रुबा इब्न आमिर, क्या मैं तुझको ऐसी तीन सुनते न बतलाऊं जो तौरात में भी नाजिल हुई है, इंजील में भी नाजिल हुई है, ज़बूर और कुरान पाक में भी नाजिल हुई। हजरत रुबा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, फदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जरूर सिखा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुबा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु को सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीन सूरते सिखाई। और फिर दो नसीहतें, इन तीन सूरतों को सिखाने के बाद ये फरमाया, ए रुबा इब्न आमिर, ला तंसहुन, इन तीन सूरतों को कभी भी मत भूलना। एक बात ये फरमाई और दूसरी बात ये फरमाई, ए उबा इब्न आमिर, ला तरीतन लैला
अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये सुन लिया, ला तंसहुन्ना, कभी भी मत भूलना, उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी इन तीन सूरतों को भूला नहीं। और जब से मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुना कि तुम पर कोई रात ऐसी न गुजरे जिससे इन तीन सूरतों को पढ़ा न करे, उसके बाद से आज तक की मेरी जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिसमें मैंने ये तीन सूरतों को न पढ़ा हो। ये चौथी नसीहत। आगे और तीन नसीहतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करवाई। सिलमन कता, जो तुझसे रिश्तेदारी को तोड़े उसके साथ रिश्तेदारी को जोड़ो। वहां का जो तुझको अपनी आता से महरूम रखे उसको आता कर। वहां का जो तुझ पर जुल्म करे, ज्यादती करे, तू उसको माफ करके उस पर दरगुजर का औकात कर। ये सात नसीहतें हजरत अब्बा इब्न आमिर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इस पर अमल। इसकी वजह से हजरत सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हु तरक्की की मंजिलें तय कर रहे। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बीवी और अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु की बेटी। फरमाती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मा मिन अब्दि मुस्लिमी, जो मुसलमान बंदा, युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन इत्नतै अशरत रकअतन, दिन में रोजाना अल्लाह के लिए 12 रकात नमाजें पढ़े, ततव्वुअन गैर फरीदतिन, फर्ज नमाजों के अलावा जाहिर नवाफिल। इन 12 रकातों से कौन सी 12 रकातें मुराद हैं? बाद मुहद्दिसीन कहते हैं कि इससे फर्ज से पहले और बाद की सुन्नतें हैं जिसको हम सुन्नतें मुअक्कदा कहते हैं, और बाद मुहद्दिसीन कहते हैं कि चार्ज की 12 रकातें। बहरहाल जो बंदा रोजाना अल्लाह के लिए 12 रकात फर्ज नमाजों के अलावा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई, बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नत, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक घर, जन्नत में उसके लिए एक महल बनाया। हदीस शरीफ में लफ्ज है कुल यौम, रोजाना पढ़े उसको किया, ये फजीलत है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत सुनी। हजरत उम्मे हबीबा फरमाते हैं, फमा बरितु सल्लीन बाद, उसके बाद से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिसमें मैंने इन 12 रकातों को छोड़ दिया। फिर हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने ये रिवायत नकली अपने भाई अंबसा इब्ने अबी सुफियान को। अंबसा इब्ने अबी सुफियान कहते हैं कि जब से मैंने उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा से इन 12 रकातों की फजीलत सुनी, उसके बाद से आज तक मुझ पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, मा बरितु उसल्ली इब्न बादु, जिसमें मैंने इन 12 रकातों को छोड़ा। फिर अंबसा इब्ने अबी सुफियान ने ये रिवायत बयान की अम्र इब्ने औफ को। अम्र इब्ने औफ कहते हैं कि जब से मैंने अंबसा इब्ने अबी सुफियान से इन 12 रकातों की फजीलत को सुना, उसके बाद से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसने मेरी ये 12 रकातें छोड़ गई। फिर अम्र इब्ने औफ से ये रिवायत नकल की नौमान इब्ने सालिम को। नौमान इब्ने सालिम फरमाते हैं कि जब से मैंने अम्र इब्ने औफ से इन 12 रकातों की फजीलतों को सुना, उसके बाद से कोई भी मुझ पर ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने इन 12 रकातों को छोड़ दिया। गोया हदीस शरीफ को नकल करने वाला हर रावी हदीस
पर अमल भी करना, उसके मुकाबले में हम अपनी जिंदगी का जायजा ले, अब तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कितने इरशादात हमारे कानों तक पहुंचे हैं और हमने कितना उस पर अमल किया। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह व जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी, बहुत कम अरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, सन 9 या 10 हिजरी में मुसलमान हुए और सन 11 हिजरी में आपकी वफ़ात हो गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत सी नसीहतें की थी जब ये इस्लाम लाए, उसमें एक नसीहत ये की ला तसुबन्ना अहद, किसी को गाली मत देना, ये नसीहत। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब से मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये सुन लिया किसी को गाली मत देना, उसके बाद मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं कहा, ला हुर्रन वला अब्दन, न किसी आजाद को न किसी गुलाम को। आजाद को तो गाली नहीं दी, अपने नौकर चाकर है, गुलाम खादिम है, उस पर अपना सब कुछ चलता है, मगर उनको भी कभी बुरा भला नहीं कहा। अरे उनको तो नहीं कहा, वला बाइरन वला शातन, न किसी ऊंट को न किसी बकरी को, किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। जानवर चराने के लिए निकलते हैं, कभी कभी वो सरकशी करते हैं तो गुस्सा आ जाता है और उनको बुरा भला कह देते हैं, कभी किसी जानवर को भी बुरा भला नहीं। ये हजरत सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी में इस्तेक़ामत के नमूने। अगर हम भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात पर अमल करते चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए भी कामयाबी की राहें और आसानी के रास्ते खोलते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए हर इरशाद पर पाबंदी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अल्लाह।